तो नमस्कार भाई लोग, वापस आ गए हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के एक और नई गेम प्ले के साथ, जिसके अंदर मैं खेल रहा हूँ फेसबुक भाई के साथ। बट यार देखो, दुनिया में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोतकत। कपोत कल्पना यार, काल्पनिक कल्पना यार, समझो बात को। वैसे तो इस बात का इस गेम से कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ तो मान लो इस बात को, ठीक है। एक होती है हकीकत, एक होती है कपोतकत। तो यार देखो यार, मैं हकीकत समझता हूँ कि आप लोगों को लगता हो कि मैं हर वीडियो में चिकन निकाल के जाऊँगा। आप उम्मीद से आते हो कि मैं चिकन निकाल के जाऊँगा, बट यार हर बार मैं नहीं निकालता। मैं क्या हो जाता है, लास्ट के सीन में आके मेरे को भर जाता हूँ। कई बार मेरे को यार जोन के थ्रू मारा जाता है, कई बार मेरे को पूरे गैंग मेंबर्स के थ्रू मारा जाता है, कई बार मैं खुद ही मर जाता हूँ। उम्मीद से ही जाता, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है इस वक्त मेरे साथ। तो हकीकत और कपोतकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डिफरेंस में मत जाना कभी भी। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है कपोतकता, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ से भैया हम लोग उतरते हैं रोज़ोक। रोज़ोक पे भाई इतनी बुरी किस्मत की पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि बंदे ही नहीं उतरे रोज़ोक पे। ठीक है, मैंने रिलोड करा, बॉट वगैरह को मारा, थोड़ा किल निकाला, कॉन्फिडेंस बढ़ गया तुम्हारे भाई का। मैंने सोचा यहाँ पे बंदा अकेले आ गया रश करने के लिए, पूरा जिंदा अकेले रश करने के लिए आ गया। मैं बाइक के ऊपर गोलियां चला के सोच रहा हूँ ये बंदा लेटा हुआ है यहाँ पे। बाद में पता चला बाइक है, चलो कोई बात नहीं। ड्राइव करी थोड़ी सी आगे तक लेके गए, पता चला भाई हमारी बाइक ही पानी में गिर गई है। कोई बात नहीं, चलो फिर मैं यहाँ से उतरता हूँ। गाड़ी के अंदर हम जा ही रहे थे कि चारों बंदे, मतलब सारे के सारे बंदे जा रहे थे, बट उसमें एक बॉट और नजर आ गया। मैंने कहा बेटा तेरी भी मौत आज की आज ही लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको भी मारा, मारने के बाद हमने इसके ऊपर से मतलब थोड़ी बहुत हेल्थ किट वगैरह ले लिया, हीलिंग्स वगैरह के लिए मैंने बैंडेज ले ली। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर हमको दिख जाता है उस वाले मैच में तो भैया हम जोन के थ्रू मारे जाते हैं। तो मैंने दूसरा मैच लगाया, दूसरे मैच के अंदर भैया इसको सबसे पहले मारा। वैन फिर मेरे को यहाँ पे एक बंदा नजर आता है जो कि काफ़ी मतलब टीपी भी लेकर बैठा हुआ था कभी गंदी तरीके से। मैंने कहा रुक जा बेटे, तेरे को दिख चुका है, तेरे को हेड पे ही मारूंगा पूरा का पूरा। तो ये तो गया भैया, इसकी तो मौत आ गई थी आज की आज, ठीक है। अभी मेरी एक एम में एमओ भी बहुत ज़्यादा ही कम बची थी, दो किल मेरे को मिले थे बहुत ज़्यादा जल्दी से, मतलब रो रो के मिले थे यार, ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, रो रो के मिले थे एक्चुअली में, ठीक है। अभी यहाँ से मैं भाई आगे बढ़ा, आगे बढ़ते के साथ मेरे को क्या दिखता है कि मेरा टीममेट जो है वहाँ पे बैठा हुआ, चलो उसको लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे दो टीममेट जो है मर चुके थे प्रॉपरली। अभी मैंने इसको मारने के लिए, इसको मतलब ले जाने के लिए अपने साथ आया, और बाड़ी को मैंने जो है यहीं पे पार्क कर दिया, क्योंकि मेरी डाल देती, मेरे को पता था कोई लेके तो जाएगा नहीं। बट यहाँ पर देखो मैंने पार्क करी है, मैं छत पे जाके लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आ रहे होते भाई फुट से अपने गन साउंड, और सामने दो बॉट आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे पास स्कोप तो इतना तगड़ा है नहीं, और एकेएम से रेड डॉट इतना दूर का मेरा परफेक्ट लगेगा नहीं। मैंने निकाली भाई अपनी एक ये क्या कहते हैं इसको, ये अपना ये थॉमसन गन, टॉमी गन जिसे मैं नॉर्मली कहता हूँ, उससे निकाल के भाई कदम से इसके ऐसा स्प्रे मारा ना बिना स्कोप के। मैंने पहली बार ऐसा करा था भाई, बिना स्कोप के इतनी दूर का बंदा मारा है, नॉक करा है, पहली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैंने कहा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा, आसमान को छू रहा था मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने कहा आज तो सारे खत्म है, बस सब खत्म है, बस आज कोई नहीं बचेगा। इतनी देर में भाई एक बंदा आता और नीचे से गाड़ियाँ मेरी उठा के डाजिया उठाई और भैया चला गया। मैंने कहा ये क्या था, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर भैया मैं उतरता हूँ यहाँ से, उतरने के बाद नीचे कूदा और मैं भाई पीछे पीछे भाग रहा हूँ, बट वो बंदा डाजिया लेके इतनी गंदी तरीके से भागा ना, दूर दूर तक नज़र नहीं आया मेरे को। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटे, तूने ये ये यही 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 चाहिए था मेरे को, यही चाहिए था, कुछ तो हो मेरे साथ, कुछ तो ऐसा हो जो रिकॉर्ड करने लायक हो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद भाई मेरे को स्कूल पे दो मतलब बंदे फाइट वाइट कर रहे थे एंड यहाँ पे गन साउंड आ रहे थे, बट मैंने जैसे जैसे करके जो अपनी मेरे को सामने एक बग्गी नज़र आती है, मैंने उठाई बग्गी, बग्गी उठा के फटाफट से अपने टीममेट को लेके जो है अपार्टमेंट के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे अपार्टमेंट के नीचे ही पार्क करते हूँ, क्योंकि आप ऊपर तो ले जा नहीं सकते अपार्टमेंट के, है ना। तो नीचे पार्क करके भाई मैं छत पे जा रहा होता हूँ जस्ट कि अभी देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। मेरे को मतलब पता है क्या लग रहा था, क्योंकि बाहर से आ रहे थे फुटस्टेप्स, मैं सोच रहा था कि यहाँ से जंप करके इस खिड़की को उस पार लटक जाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसे पहली बार काफ़ी बार कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। ऐसा मैं पहले काफ़ी बार कर चुका हूँ खेलते टाइम, रात के टाइम मतलब खेल रहा था, तो मैंने ट्राई करके देखा था और परफेक्ट हो गया था। तो बाहर जो इसके पाइप होता है मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा वहाँ से आराम से नॉक कर दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा बंदों को, इतना शातिर दिमाग है मेरा, ठीक है। बट अचानक से ना क्या हुआ कि मतलब मेरा कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो ही नहीं रहा। मैंने कहा लास्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं 3 2 1, लेकिन फिर भी फेल हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर इतने में भाई साउंड आता है कि मेरी बग्घी लेके फिर से कोई भाग गया, और इतने में पता चला कि वो बंदा दूर 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 जा भी चुका है भाई साहब। इतना मतलब कहने को यार चोर भरे पड़े हैं, कसम से भर भर के चोर है यार इस BGMI के अंदर। दिखा दिया इन लोगों ने कि हम इंडियन वर्जन ही हैं, कसम से इंडियन वर्जन BGMI का, इंडियन वर्जन इंडियन ही रहेगा। कभी पहले वहाँ पे मेरी डाजिया चोरी हुई, यहाँ पे आने के बाद मेरी बग्घी चोरी हुई, उसके बाद फिर भाई हम लोग थोड़ी बहुत देर के बाद जो है एक बग्घी वग्घी ढूंढते हैं ताकि वहाँ से निकले, बग्घी वग्घी ढूंढी, फिर जोन के अंदर आते हैं। जोन के अंदर आने के बाद भाई हमें वही बंदे मिल जाते हैं जो हमारी बग्घी चोरी करके भाग रहे होते हैं, वो हमारी आंखों के जस्ट सामने से ही जा रहे होते हैं। ये देखो मैंने यहीं पर रोक लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि दो बंदे हैं, फिर बाद में मेरे को लगा कि नहीं यार दो बंदे नहीं हैं, यहाँ पर एक ही बंदा है जो हमारी बग्घी चोरी करके भागा था। तो इसी गलतफहमी की वजह से ना कि दो नहीं एक बंदे, मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ उसके ऊपर, और ये रश करने की वजह से मैं इस बार भी हार जाता हूँ यार, क्या करूँ। 15 बंदे मतलब 15 भी नहीं,
13 बंदे बचे थे लास्ट के, 13 बंदे बचे थे बस लास्ट के, अगर वो मर जाते तो इस बार चिकन अपने हाथों में होता, बट नहीं, क्या करें हम लोग, ऐसा क्या करें। तो मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ पे लग रहा था सिंगल है तो अब सीधा रश कर देता हूँ, तो यही गलती की वजह से भाई इस बार मैं मरा, इसीलिए मेरी कपोतकल था ना, जो कपोतकल पर जो भी हो उसी की वजह से मैं मरा, ठीक है, गलती की वजह से। बाकी अगली वीडियो यार देखोगे ना तो पक्का पक्का आप लोगों को मैं प्रॉमिस करके देता, अगली बार मैं पक्का मिलेगा आपको चिकन यार, इस वीडियो में नहीं मिला अगली में नहीं मिला, पक्का अगली वाली में। तब तक पहले टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके दबाना अपना बेल लाइक का बटन। तब तक मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।